गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्विच और लूप्स के बारे में C++ लैंग्वेज में। लास्ट वीडियो में हमने कमेंट्स, असाइनमेंट्स और इफ़ एल्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच क्या होता है? तो इफ़ एल्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। तो इफ़ एल्स में क्या होता है, हमारे पास कंडीशन होती है और उस कंडीशन को ट्रू होने पर इफ़ में जो स्टेटमेंट्स हैं या स्टेटमेंट्स के ब्लॉक हैं वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स में जाते हैं, ठीक है। तो फिर एल्स इफ़ भी हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही कम कंडीशन, एक या दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है, तब तक हम इफ़ एल्स इफ काम में ले सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कंडीशंस का जो रिज़ल्ट है, कंडीशंस है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट कराने या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट कराने हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम इफ एल्स काम में नहीं लेके स्विच लेते हैं। जैसे किसी का रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है तो उसमें हमें पता लगाना है कि कितने परसेंटेज मार्क्स आने पर कौन सी ग्रेड मिलेगी, या जैसे वीक के डे हैं उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कौन सा दिन है। तो नंबर से हम देखेंगे सोमवार है, मंगलवार है। तो अगर हम इफ एल्स से करेंगे ये काम तो बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट काम में लेते हैं। तो काम स्विच भी वही करेगा इफ एल्स वाला ही। क्या होता है इफ एल्स में, स्विच में, दोनों में ही हमारे पास खूब सारे स्टेटमेंट्स होते हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें से कोई एक हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो C++ में स्विच स्टेटमेंट यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। स्विच स्टेटमेंट का उपयोग कई कोड ब्लॉक में से एक को चुनने के लिए किया जाता है। इसका सिंटेक्स ऐसे रहता है कुछ, स्विच और फिर इसमें एक्सप्रेशन रहेगी यहाँ पर, तो एक्सप्रेशन का कुछ रिजल्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इफ एल्स में क्या आ रहा था, एक्सप्रेशन जो हो रही थी उसका रिजल्ट क्या आ रहा था, वो ट्रू या फॉल्स आ रहा था। स्विच के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है ट्रू या फॉल्स आए, इसमें कोई भी नंबर आ सकता है। फिर यहाँ पर केस रहेगा, केस एक्स। तो अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट है वो अगर एक्स आता है, तब जो केस एक्स के अंदर जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पर। और फिर ब्रेक, ये ब्रेक को भी आगे समझेंगे हम, ब्रेक क्या होता है। अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट वाई आ रहा है तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो रिजल्ट है एक्सप्रेशन का ऐसा आया है कि हमने केस जितने भी ले रखे हैं उनमें से किसी भी वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट, मतलब इससे ऊपर वाले से किसी से भी मैच नहीं किया तो ये डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट कर देंगे। अब देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, स्विच की जो एक्सप्रेशन है, उसको इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या है। हमने कोई एक्सप्रेशन लिख दी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो रिजल्ट हम इवेल्युएट करेंगे, कंपाइलर करेगा, कंप्यूटर करेगा उसको। उसके बाद में जो उसका रिजल्ट आएगा उस एक्सप्रेशन का, उसको हम कंपेयर करेंगे हर एक जो केस है उसकी वैल्यू से। जिस भी केस की वैल्यू से वो मैच होता है उसका रिजल्ट, वही जो संबंधित उसका ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर जो ब्रेक और डिफ़ॉल्ट है ये दोनों क्या हैं, ऑप्शनल है, ये यूज करना ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, लेकिन हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से इनको यूज करेंगे। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है,
एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम क्या है, डे। ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, इसकी वैल्यू है 4। तो यहाँ स्विच है, स्विच के अंदर डे आ गया, मतलब स्विच के अंदर वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हम चलेंगे केस 1, तो केस 1 वैल्यू कितनी है, 1। तो मैच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर नीचे चलेंगे केस 2, 2 भी मैच नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा, 4 वैल्यू थी। तो केस 4 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, थ्रस्ट इन। तो फिर हम ब्रेक कर देंगे। फिर आगे 5 है, 6 है, उनको चेक नहीं करेगा क्योंकि हमने क्या ब्रेक कर दिया है। आगे हम डिटेल में देखेंगे ब्रेक और डिफॉल्ट क्या है, ठीक है। अब देखिए ब्रेक क्या करता है, C++ के अंदर जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट पर पहुंचते हैं, ब्रेक एग्जीक्यूट होता है, तो जो स्विच का जो ब्लॉक है, पूरा स्विच वाला जो ब्लॉक है हमारा, उससे कंट्रोल बाहर निकल जाता है। क्योंकि अब हमें क्या है, हमारा टारगेट मिल गया है जो केस था, और कोड का जो ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट करा दिया, हमारा काम हो गया। अब हमें स्विच से बाहर निकलना है, हमें दूसरी कंडीशंस है, दूसरे केस है, उनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करेगा, जो स्विच के अंदर चल रहा था ना उसको स्टॉप कर देगा, और आगे जो केस हैं बचे हुए हैं उनको चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं है, हम स्विच से बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही हमारा क्या होता है कि कोई मैच होता है केस, और हमारा काम हो जाता है, काम क्या है, जो ब्लॉक है स्टेटमेंट्स का उसको एग्जीक्यूट करना, तो हम ब्रेक कर देते हैं और स्विच से बाहर निकल जाते हैं, हमें आगे टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रेक का फ़ायदा क्या हो रहा है, एडवांटेज क्या हो रहा है, ब्रेक क्या करता है, हमारा टाइम बचाता है। भाई हमारे पास डे 4 था और थर्सडे वहाँ मैच हो गया, तो हम आगे फ्राइडे सैटरडे संडे उनके लिए क्यों चेक कर रहे हैं। अगर ब्रेक यूज़ नहीं करते तो वो क्या करता, नीचे तक जाता, वहाँ तक पूरा चेक करता, तो एग्जीक्यूशन का टाइम वो बचाता है ब्रेक। क्योंकि ये क्या करता है, जो रेस्ट ऑफ कोड है, जो नीचे का कोड बच गया उसको इग्नोर कर देता है और बाहर निकल जाता है। अब डिफ़ॉल्ट कीवर्ड क्या करता है, डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, मान लो यहाँ पर डे 4 था, वो तो मैच हो गया, पर हमने डे 1 से लेके 7 तक किया है, और हमने डे में वैल्यू डाल दी शुरू में 8 डाल दिया, तो 1 से लेके 7 तक कहीं मैच नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, तो हम नीचे डिफ़ॉल्ट लिखेंगे।